अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला की फजल और अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, शादी आबाद रखे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, और जिन्हें मेरे बहन भाइयों की शादी होगी अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज का व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलें व्लॉग करते हैं शुरू। मार पठे वट दे हैं वड्डे वड्डे पठे, शाबाश। मार सही थी वट कल जेड़े तू वाट के गया सारे मैं मगर वड्डे सही करके दोबारा सबे छड़ गया सी। भाई ये मार नहीं काटना बेचारा। अमर केदे वास्ते केड़ी भैंस वास्ते काट दे हो नानी नानी वाली के। आ गया पुत्र मैं आ गया। नानी एक डरती हूँ मार को। तू ले लो केड़ा पड़ के बाद ना चले आ रहा चले कोया ठीक कर हाल हाल अरे बात एक हाल ठीक है एक केड़ा पड़ के बाद कदन तू वाल ले बस सारे तू रहन दे तू रहन दे ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡ ਹੋਣਾ ਹੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਪੈਪ ਲਾਵਾਂ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਜੱਟ ਲੱਗ ਚਲ ਜਬਣਾ ਹੁਣ ਜੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ पानी ज़्यादा कल दा पानी पाया है जिक्र होगा ही ना पानी गलत पाया ना तुसी पहला मशवरा करे करो कहने कहानी करने अच्छा जी अगे तो तेरे ना मशवरा कर लिया करेंगे और दसो मेरे को शामी करवानी सी अमार बहुत होना बिच ये गोया मिट्टी है ना शायद तो बड़ा भाई अदन आवाज़ें दे रही थी कि मामू मैंने कोई चीज़ बनाई है वो दिखाएं आप क्या बनाया अदन ये हैं क्या फूल लगाए मिट्टी में मिट्टी में फूल लगाए आपने अच्छा ये पार्क बना दिया आपने हैं ये किससे आपने देखा था और किस तरह ये आइडिया है आपके जहन में मैंने वैसे बना लिया आपने फूल कहाँ से लेके आए थे आप वो खाल से ये दरख्त से लेके आए और ये नीचे लगे थे और ये भी नीचे लगे थे तो ये
बहुत प्यारे बनाए मेरी चुटकों ने, मेरी चुटकी ने। अच्छा रख लो अब ये। काफ़ी देर से आवाज़ें दे रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या करनी है। अब मैंने देखा ये क्या कुछ, अब मैंने देखा फिर ये कोई चीज़ रख के ना ये लगी हुई है कुछ करने। जी ये कणी भी तैयार हो गई है, तो झाड़ू भी दे लिया, हूँ असी फेरते हैं मिट्टी तो थोड़ा फिर दिखाने। अच्छा भाई भाई आवाज के आप लोग काम देख लें, लोग कढ़ाइए की मदद से जो कढ़ाइया होता है उसमें मिट्टी डाल के लेके जाते हैं। भाई आवाज ने ये हाथ वाली जो रेड़ी है इसकी मदद ली है कि इसमें ज़्यादा जाएगी और जल्दी काम निपट जाएगा। और ये थोड़ी टूट गई थी तो इसलिए इन्होंने ये गट्टू जो होता है ये रख लिया है, जो बोरी होती है ना वो, तो ये बांध दिया ऊपर से कि जो मिट्टी है वो नीचे ना गिरे और आसानी के साथ और इजीली मैं लेके जा सकूँ। रेडी ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद यह है कि आज से पहले तकरीबन 8 से 10 साल पीछे जाएं तो इसी तरह देहातों में तो स्पेशली इसी तरह मिट्टी लगाई जाती थी, इसी तरह जो जिसे हम लोग बोलते हैं कैसी कहानी की थी इसी तरह सारा कुछ किया जाता था और इसी तरह मिट्टी लगाई जाती थी। और अब तो देहातों में भी लोग ने अपने सहन पक्के कर लिए हैं और छतें भी पक्की कर लीं, तो करनी तो हमने भी है इंशाल्लाह तो, लेकिन फ़िलहाल अभी ये हमारा सहन कच्चा है। लेकिन कच्चे सहन का गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो ये ज़्यादा तपता नहीं है, क्योंकि फिर गर्मियों में अगर मार्बल वगैरह लगवाया हो तो वो फिर सेक बहुत ज़्यादा आता है उसका। और ये बिल्कुल पंजाब का कल्चर कह लें आप, देहात का कल्चर कह लें, और ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले आज से जो हमारे दादा परदादा लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारी थी इसी तरह गुजारी थी। और ये सारा कुछ जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये भाई आवास ने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया है, लेकिन पहले कढ़ाइयों में लेके जाते थे लेकिन आप भाई आवास ने इस रेड़ी की मदद से याद है।
थोड़ी रखियो। बस मुझे पहले तो कच्चे मकान होंगे होंगे उदो भी मकान भी इदी लिपते होंगे ना, मकान भी लिपने, छत भी लिपनिया, सहन भी लिपना। हूँ तो चलो फिर भी मकान पक्के आ गए, वेड़ा भी हमें कर लेना पक्का छेती। चले इसी के साथ हमें इजाज़त दें, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रब सोने के हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।